स्टूडेंट्स आर हार्डली वेलकम इन ऑफिसर स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का सिलेबस, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 12वीं का जो बोर्ड का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जो अभी जो सेशन चल रहा है 2023-24 उसके अंतर्गत उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये माध्यमिक शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त PDF है, जिसके मार्फत हम समझेंगे कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सबसे पहले देखिए, एक पेपर होगा, आपके पास 3.25 घंटे का समय है, 3 घंटे 15 मिनट, और जो पेपर आएगा बोर्ड का वो 80 नंबर का आएगा। यहाँ से अपने विद्यालय लेवल से 20 नंबर आपके जाएंगे सेशनल मार्क के रूप में। तो इस प्रकार 80+20 100 नंबर का टोटल आपका होने वाला पेपर। अब ये जो पेपर आएगा आपका बोर्ड का, जो 80 नंबर का पेपर है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वेटेज क्या है, आइए जानते हैं। अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। एरिया ऑफ लर्निंग, रीडिंग सेक्शन है सबसे पहले, 15 नंबर का है। राइटिंग सेक्शन भी 15 नंबर का है। ग्रामर कम ही है, 8 नंबर का ही है। और उसके बाद देखिए, 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर, किताब के अलावा ये 3 सेक्शन हैं आपके, जो कि करीब 38 नंबर के हैं, 38 नंबर के। और जो किताबें हैं अपनी, एक फ्लेमिंगो है, एक विस्टास है। फ्लेमिंगो बुक है वो 28 नंबर की है, इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रोज और दूसरा है पोइट्री। प्रोज 14 नंबर का है और पोइट्री 14 नंबर। तो इस प्रकार ये हो गया 28 नंबर, और जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास वो भी 14 नंबर। तो इस प्रकार से ये दोनों किताबें मिलकर बनती हैं 42 मार्क्स की, और 38 का ये अतिरिक्त भाग है, इस प्रकार 80 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो जानते हैं रीडिंग सेक्शन जो कि 15 नंबर का है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है। रीडिंग के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेजेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज 700 से 900 वर्ड्स के। इसमें देखिए, पहला जो पैसेज है ये 15 नंबर का है, टोटल ये 15 नंबर का है। अब इस 15 नंबर के अंदर देखिए, द पैसेज विच इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग, फैक्चुअल पैसेज होगा, डिस्कर्सिव पैसेज होगा। अब देखिए इसमें क्या है, और इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। जो कंप्रीहेंशन है, जो पहला पैसेज आपका आएगा उसमें किस टाइप के सवाल आएंगे, ये पहला पैसेज आपका 9 नंबर का होगा, दूसरा पैसेज 6 नंबर का होगा। जो पहला पैसेज है इसके अंदर ये 400 से 500 वर्ड लिमिट का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल कंप्रीहेंशन। तो मतलब पैसेज आएगा उसमें से जो 6 सवाल होंगे एक एक नंबर के, वो डायरेक्टली पैसेज से पूछे जाएंगे, और बाकी के 3 सवाल ऐसे होंगे जो वॉकेबलरी से संबंधित होंगे, शब्द ज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें आपके सिनोनिम पूछे जाएंगे कि कोई एक वाक्य दिया जाएगा और उसका अर्थ को प्रतिबिंबित करने वाला शब्द आपको पैसे से ढूंढना है। इस प्रकार पहला पैसेज होगा। दूसरा जो है वो उसमें 4 सवाल डायरेक्ट पैसेज में से आएंगे और 2 सवाल वॉकेबलरी से जुड़े, जिसमें सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड होंगे। तो इस प्रकार 2 पैसेजेस जिसकी आपको बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करनी है, अगर आप कर ले तो 15 नंबर आप पा सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में देखिए, राइटिंग सेक्शन है ये पूरा, ये भी 15 नंबर का है। इसके अंदर देखिए क्या क्या है, एक सवाल जो बनेगा आपका, 2 अथवा में सवाल आएंगे, उसमें क्या क्या शामिल है देखिए। एक तो है एडवर्टाइजमेंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा
उसके फोर फोर यानी पक्ष में आपको तर्क देने हैं अथवा अगेंस्ट या विपक्ष में तर्क देने हैं, वो प्रश्न में बताया जाएगा। तो पहला यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा नोटिस है, तीसरा है आर्ग्यूमेंट्स वाला है, और चौथा है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन। ये चार है, चार टॉपिक है। इनविटेशन मिला उसको आपको या तो एक्सेप्ट करना है या उसको अस्वीकार करना है। तो ये चार है। अब चार में से कोई भी दो आएंगे, दो सवाल आपके आएंगे, दो में से आपको एक करना है, और ये नंबर है चार नंबर का सवाल है, फोर नंबर्स का। तो चार चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट्स और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन। एक सवाल तो ये बनेगा। दूसरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो सवाल बनेगा आपका उसमें क्या होगा, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रिपोर्ट आपको लिखनी है, रिपोर्ट, कोई घटना दे दी जाएगी, एक इवेंट, उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है, अथवा में आपको क्या करना है, अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन सम क्लूज, कोई क्लू दिए जाएंगे, आउटलाइन दी जाएगी, उसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है। अब देखिए, पिछली साल की जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पर क्या होता था, एक तरफ रिपोर्ट आती थी, दूसरी अथवा में सवाल जो आता था वो ट्रांसलेशन वाला आता था। परंतु इस बार बदलाव करते हुए रिपोर्ट को एज इट इज़ रखा गया है, परंतु अथवा में पैराग्राफ को डाल दिया गया है, ट्रांसलेशन के को हटा दिया गया है। तो ये विशेष ध्यान रखें, ये पाँच नंबर का है। तीसरा जो सवाल बनेगा, लेटर से संबंधित, इसमें देखिए तीन तरह के लेटर आएंगे, एक तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, दूसरे लेटर टू एडिटर, तीसरे एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग CV। तो तीन तरह के सवाल है, इनमें से कोई भी दो अथवा में आएंगे आपके, और इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, ये सी वाला है, सी सेक्शन वाला, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंक्लूडिंग CV, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करिएगा, और ज़्यादातर संभावना रहती है कि ये आता ही है। छः नंबर का है, ये काफ़ी अहमियत रखता है। तो इस प्रकार राइटिंग सेक्शन भी अपना 15 नंबर का हुआ। अब देखिए आगे, इसी में सेक्शन बी के अंदर ही जो तीसरा है ग्रामर, जो कि 8 नंबर का है टोटल, उसमें चार टॉपिक है, क्लोजेज है, जिसमें नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, रिलेटिव क्लोज, दूसरा सिंथेसिस है जो वो भी 2 नंबर का है, 2-2 नंबर के हैं सारे टॉपिक, फ्रेजल वर्ब है जिसके अंदर ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, और चौथा टॉपिक है कंजक्शन का, वो भी 2 नंबर का। तो इस प्रकार ये ग्रामर सेक्शन 8 नंबर का है। सेक्शन सी की बात करें, अब ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है सेक्शन, जो टोटल 42 मार्क्स का है। मैंने अभी बताया कि फ्लेमिंगो बुक के अंदर प्रोज 14 नंबर का, पोइट्री 14 नंबर की, और विस्टास बुक 14 नंबर की। इस प्रकार 14 का क्लासिफिकेशन 42 हो जाएगा। तो फ्लेमिंगो के अंदर सबसे पहले प्रोज की बात करें, जो 14 नंबर का है, उसमें किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स। यहाँ पर देखिए एक पैसेज आएगा आपके, ये जो प्रोज भाग है उसमें से एक पैसेज आएगा 200 शब्दों का, उसमें टोटल 6 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल होंगे, जिसमें 4 तो डायरेक्टली पैसेज में से होंगे, और जो 2 होंगे वो आपके सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट से रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार ये पैसेज 6 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा प्रोज में से देखिए लंबे थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न होंगे, 60 वर्ड्स के, 6 लाइनों में लिखने के होंगे, 4 नंबर का एक सवाल आएगा, 2 सवाल आएंगे उसमें एक आपको करना है, 4 नंबर का एक सवाल होगा। तो बढ़िया, पाठ पढ़ते समय ध्यान से जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको लिखने की भी कोशिश करें। इसके अलावा 2 सवाल आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 2-2 नंबर के होंगे 4। तो इस प्रकार देखें तो अपना जो प्रोज सेक्शन है उसमें केवल आपको 3 सवाल हल करने हैं, एक बड़ा है, 2 छोटे हैं, मात्र 3 सवाल है जो आपको हल करने हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करें तो आराम से कर सकते हैं। फिर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री 14 नंबर की है, जिसमें देखिए एक सवाल आपका आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सब प्रसंग व्याख्या का सवाल आएगा। तो इसका हर पोइट्री पढ़ने के साथ अभ्यास करते रहें, 6 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अलावा इसमें से भी वही एक सवाल है बड़ा सा, 60 वर्ड्स का है, 4 नंबर का है, और दो छोटे सवाल होंगे, दो दो नंबर, 4 नंबर, तो ये दो सवाल। तो इसमें से भी बात करें तो एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सवाल है और 3 सवाल है, एक छोटा एक बड़ा, सॉरी एक बड़ा दो छोटे। अब बात करें विस्टास बुक की, जो सेकंड हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास बुक, वो भी 14 नंबर की है, टोटल 14 मार्क्स की है। इसमें क्या है देखिए, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कम्प्रीहेंशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ थीम कैरेक्टर इंसिडेंट इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द, थोड़ा बड़ा वही 4 नंबर का एक सवाल आएगा जिसमें मुख्य रूप से थीम के बारे में पूछा जाएगा, पाठ का जो सारांश है, विषय वस्तु है उसके बारे में, उसमें जो कैरेक्टर्स आए हुए, पात्र आए हुए हैं, उनका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, कैरेक्टर स्केच या घटना के बारे में क्वेश्चन होगा। तो 4 नंबर का है और दो छोटे छोटे दो दो नंबर के सवाल होंगे 4 नंबर के, और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो अबसद वाले ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल होंगे, पूरे इस विस्टास बुक में से आएंगे 6 नंबर के। तो इस प्रकार ये भी 14 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2024 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कक्षा 12वीं इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस क्या है, अंकों का क्या वेटेज है, आदि चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।